हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि मशीन में क्या क्या बटन्स है और किस तरह से वो सारी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कौन से बटन किस काम के लिए है, आपको मशीन चलाना ही नहीं आएगा। और सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि हमारे पास दो स्क्रीन्स हैं, ये लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये दो स्क्रीन्स हैं और दोनों स्क्रीन जो है वो दोनों साइड की आईटीओ दिखाने के लिए है, दोनों साइड की आईटीओ के सिंबल्स मैच करने के लिए ये दोनों साइड की जो स्क्रीन का काम होगा, लेफ्ट साइड की आईटीओ के सिंबल्स और राइट साइड का जो स्क्रीन होगा, राइट साइड की आईटीओ जो कि अंदर होती है कॉर्नर्स में होती है कॉफ की, वो दोनों सिंबल्स जो है आपके आईटीओ के ऊपर भी होते हैं और कॉफ के ऊपर भी होते हैं, वो दोनों को मैच करने के लिए ये जो स्क्रीन है। दूसरी, ये जितने भी बटन्स दिए हुए हैं इसमें, उसमें से पहला बटन स्पॉटलाइट के लिए, ये देखिए आप स्पॉटलाइट इधर है, ये ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये लाइट मैंने इससे ये बटन से ऑफ की है, ठीक है। तो फर्स्ट बटन ये है। सेकंड बटन जो है इसमें दिया गया, जो कि PRF 960 पैनल रिपेयर फैक्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बनी हुई मशीन है, जिसका मॉडल नंबर है PRF 960, जिसकी सेकंड की है अपर लाइट। अपर लाइट का मतलब इसके ऊपर से आने वाली लाइट, ये वाली लाइट जो है ऊपर से आ रही है, ये अपर लाइट है। और एक लाइट है इधर क्रिस्टल लाइट। क्रिस्टल मतलब ये जो आपको ग्लास पीस दिख रहा है, ये से क्रिस्टल बोलेंगे। और इसकी जो लाइट है वो इससे कंट्रोल होती है, ठीक है। सो क्रिस्टल लाइट के कंट्रोल के लिए ये वाला नॉब है। थर्ड है मैनुअल बॉन्डिंग का बटन है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। पीसीबी बॉन्डिंग जो है आपका, जो पीसीबी साइड में ये जो पीसीबी है इसके ऊपर जो कॉफ लगाने के वक्त पीसीबी बॉन्डिंग आपको यूज़ करना है। ग्लास बॉन्डिंग का यूज़ होगा, ग्लास की तरफ जब आप कॉफ लगाएंगे उसके लिए है। हेड कूल आप कर सकते हैं, अगर जो हेड को बीच बीच में आपको ठंडा करना हो तो आप इस बटन का यूज़ करेंगे तो हेड कूल होगा। मैनुअल अलाइनमेंट स्टार्टिंग और एंड, आपको प्रेशर देने के लिए हर काम के लिए ये वाला बटन यूज़ होगा। जब तक आप फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी मैनुअल अलाइनमेंट बटन प्रेस किया है, पहले मैंने ये देख लिया स्पॉटलाइट ऑन करके कि मेरा जो हेड है वो सही जगह पे आया है कि नहीं पैनल के आईटीओ के ऊपर। सो सबसे पहले आपको देखना होगा, ये एक हाथ आप रख सकते हैं इसके ऊपर, हेड के जो मतलब शाफ्ट जो है ऊपर से आ रही है जो, उसको आप पकड़ के थोड़ा उसको धीमे कर सकते हैं ताकि आईटीओ पे जोर से ना गिरे वो, अगर जो गलत जगह है तो। तो ये आप देख सकते हैं कि आईटीओ के ऊपर ही हेड है जहाँ पर हमारी बॉन्डिंग होगी। सो आपका मेन पॉइंट ये है कि आपको इस पे हेड रखना है। और दूसरा, वैक्यूम बटन का यूज़ करना है जब आपकी पैनल सही जगह पर है तो। वैक्यूम बटन दबाने से आपका प्रेस उस पर जो वैक्यूम है आ जाएगा ताकि पैनल हिलेगी नहीं, आप ठीक है। मैनुअल के बाद सबसे पहले आपको ये कॉफ क्लिपर दिया गया है, जिसमें आपका कॉफ फंसाना है। आपको कॉफ दीजिए तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है ये ग्लास साइड है, जो कि बहुत बारीक ट्रैक्स होती हैं, और ये है पीसीबी साइड, जो कि थोड़ी हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, लेकिन मेन एरिया ऑफ कंसंट्रेशन आपका ये रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बारीक ट्रैक्स हैं जो कि एक दूसरे से सॉल्ट होने में, हल्का सा भी अगर जो आपने उसमें ये रखा, कमी रखी, तो वो आपस में सॉल्ट हो जाएगी। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस कंट्रोल से अगर जो कॉफ बहुत आगे है तो आप पीछे ले सकते हैं, और इसको आप देखिए ये काफ़ी आगे है। सो आप इसको इस बटन से, इस नॉब से पीछे की साइड ले सकते हैं, आगे या पीछे ले जाने के लिए। दूसरा
कंट्रोल जो है ये लेफ्ट राइट के लिए है, मतलब आपको अगर जो एंगल देना है, मतलब लेफ्ट या राइट में एंगल में आपको मूव करना है इसको, सो आप देखें देख सकते हैं कि ये जो कॉफ है ऊपर की साइड है ये, और ये कॉफ जो है ये नीचे है, सो आप इसको एंगल एंगल दे सकते हैं इस तरह से। देखो ये कॉफ सीधी हो रही है, ठीक है, और ये वाला जो बटन है ये आपका कॉफ को लेफ्ट या राइट ले जाएगा। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में जा रहा है कॉफ और राइट में जा रहा है। दूसरा आपको ये देखना है, इधर ये जो दोनों ITO के सिंबल्स हैं उनको आप, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक और चीज है, आप ग्लास जब भी आप बॉन्डिंग करें उसकी ITO जरूर चेक कर लें बॉन्डिंग करने से पहले। जैसे कि ये मेरे पास जो पैनल है ना, ये मैं फिर से आपको बताऊंगा वीडियो में ही कि इस पैनल में प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली ये बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये रेड हो गए हैं ITO, और ये ग्लास के अंदर तक है, मतलब आप कहीं से भी बाहर से इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सारे ITO जो कि रेड हो गए हैं वो जल चुके हैं, बर्न हो चुके हैं, सो उसमें आप कुछ भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। सो अगर जो आप मेहनत करोगे तो आपका मेहनत काम रंग नहीं लाएगा, क्योंकि इसमें जो जगह पे आपकी बॉन्डिंग होनी है उस जगह की ITO खराब है, जल चुकी है, आपकी कॉफ के सिग्नल अंदर पैनल तक नहीं जाएंगे। तो ये आप, मैं और भी ट्रैक्स आपको बताऊंगा इसमें। जो चले हुए हैं ये ITO जो है, ये इंडियम टिन ऑक्साइड, आई का मतलब इंडियम, टी का मतलब टिन, ओ का मतलब ऑक्साइड, इस चीज से बने हुए एक बारीक ट्रैक्स होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो माइक्रोस्कोप है उसने फेस जिस तरफ रखा हुआ है, ये ITO रेड हो गई है और पैनल में भी ये अंदर तक रेड हो चुकी है। सो इस टाइप की पैनल को आप बॉन्ड नहीं कर सकते, बॉन्डिंग करेंगे तो आपको उस जगह पर काली लाइन दिखेगी। काली लाइन का मतलब यह है कि उस साइड की जो सिग्नल्स हैं वो बर्न हो चुके हैं, मतलब सिग्नल ट्रैक बर्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से सिग्नल प्रोसेस नहीं होगा पूरी लाइन पे, पूरे एरिया में वर्टिकल लाइन दिखेगी आपको, बारीक पतली पतली लाइन है। 46 इंच का सैमसंग का एक पैनल है, जो कि इस फॉल्ट में आया है कि टिकॉन बोर्ड इसमें खराब था, पहले मैंने टिकॉन बोर्ड बदला, उसके बाद भी पिक्चर नहीं आई और कुछ लाइंस दिख रही थी और वर्टिकल लाइंस दिख रही है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉप्स जो है वो 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सो तीन तीन एक साइड के जो भी पिक्चर का जो हिस्सा है वो उसको तीन कॉप्स वीडियो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस साइड में तीन है लेकिन वर्किंग गेट सिग्नल्स एक ही साइड में है, जो कि इस कॉप से कंडक्ट होते हुए साइड में जाती है, गेट लाइंस और कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करती है। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रा पास में दिखाइए, यहाँ पर एक बर्न है कॉफ में, ठीक है। सो मैंने इस कॉफ को ऑर्डर किया है लेकिन अभी ये कॉफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें मैं पिक्चर किस तरह से लाऊंगा। इसमें पिक्चर आ जाएगी, एक हिस्सा खाली बाकी रह जाएगा जिसमें पिक्चर नहीं आएगी। हम क्या करेंगे कि किसी एक कोने से कॉफ को निकाल कर, सभी कॉफ एक ही नंबर के हैं सबसे पहले आपको बता दूंगा, और दूसरा क्या है कि ये कॉफ मैं निकाल कर यहाँ माउंट कर दूंगा पैनल बॉन्डिंग मशीन के थ्रू। सो पैनल बॉन्डिंग मशीन का भी यूज़ कैसे होगा वो सब मैं इस वीडियो में ही बताऊंगा आपको। सो शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम जो कॉफ निकाल रहे हैं उसके लिए आपको जो यहाँ पर टेम्परेचर देना है वो 200 डिग्री के करीब रहेगा, और
आपकी जो एयर है करीबन 4-4.5 के करीब, और कॉफ निकालते समय ध्यान ये रखना है कि आपका आयरन गन जो है वो 90 डिग्री फेसिंग एंगल पे होगा। और इसको 250 डिग्रीज ये कॉफ हमने निकाल लिया जो कि डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कॉफ हमने निकाल ली है, ये लगेगी जो वर्किंग गेट लाइंस है उस साइड में, जो कि यहाँ पर, ये दिखा दो, ये आईटीओ, ये दो पॉइंट्स के बीच में आईटीओ होता है। सबसे पहले तो हम ACF रिमूवर लेंगे और उसे अप्लाई करेंगे पैनल पर और उसे सूखने देंगे थोड़ा, जब तक कि वो अपना काम करती है। और इसे करीब 2 मिनट लगते हैं। ITO क्लीन करने के लिए हमेशा आप एक टूथपिक ले लो और इस तरह से आप ये रख लो टूथपिक को, और गन को फेस कर लो इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो उखड़ रहा है, ये पहले का गम है जो कि हमें क्लियर करना है बॉन्डिंग के वक्त। या सबसे पहला पार्ट पैनल बॉन्डिंग में ये होता है कि हमें पहले तो ITO चेक करना होता है, ITO में हमारे कैमरा की रेंज में होने चाहिए, और दूसरी चीज़ मैनुअल अलाइनमेंट दबाना है पहले, और ITO को दूर कर लीजिए, मतलब क्रिस्टल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए इस बार, हमने मैनुअल अलाइनमेंट की दबानी है पहले, उससे ये हेड नीचे की तरफ आ जाएगा और क्रिस्टल लाइट जो है यहाँ पर है, ये फोकस कीजिए आप, या ये क्रिस्टल लाइट है, इसे हमें बढ़ाना है ताकि हमें हेड दिख पाए। ये दोनों ही स्क्रीन पर हमें हेड की जो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ मार्किंग कर रखी है, उस मार्किंग पे आ जाना चाहिए, और इस साइड से डाउन करते हुए यहाँ पर, और फोकस भी थोड़ा सा लगेगा इसमें। ये फोकस हो गया, ये फोकस कीज है, फोकस कंट्रोल्स हैं, सॉरी। सो इसे
ये हो गया आपका, सिर्फ हमने हेड अलाइन किया है। अभी पैनल बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना ITO बचाएं। ITO बचाने के लिए हमने कुछ एडजस्टमेंट किए जिससे कि हमारा जो हेड है वो ITO के ऊपर आ जाए। ITO का मतलब ये होता है कि ये बाहर के तरफ दिखता हुआ जो TFT बोर्ड का हिस्सा है उसमें कुछ ट्रैक्स हैं जो ITO ट्रैक्स, हमें वो ITO ट्रैक्स के बीच में ये हेड लाना है। अंदर या बाहर चला गया तो या तो ग्लास ख़राब कर सकता है आपका या आपकी ITO तोड़ सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ बचानी है और उसके बाद ये देख लेने के बाद आप वैक्यूम ऑन कर सकते हैं या एक वैक्यूम स्विच है आपको इसे ऑन कर देना है। अब ये पैनल इस जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। फिर आप मैनुअल बॉन्डिंग ऑफ कर दी, मैनुअल अलाइनमेंट की को फिर से दबाएंगे, हेड ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट होता है आपका कॉफ का एडजस्टमेंट। ACF टेप 1.5 mm की ग्लास साइड में लगानी, उसके लिए हमें टी आयरन की जरूरत होगी। टेप निकालेंगे इसमें से, ACF टेप, और सो बाद में मैनुअल अलाइनमेंट दबाना है आपको और हेड अब आएगा। इसके बाद आपको प्री बॉन्ड दबाना है। प्री बॉन्ड दबाने के बाद आपको ये 100 तक का इंतजार करना है। ये टेम्परेचर आ गया, अभी आपको ये लाइंस मिलानी है, ये वाइट ब्लैक के साथ मिल जाए। सो हल्की सी एडजस्टमेंट अभी भी ये देखिए वाइट लाइंस और ब्लैक लाइंस दोनों मिल गई है। इसके बाद हमें हेड प्रेस दबाना है। प्री बॉन्ड ऑफ करने के बाद हेड प्रेस दबाना है और मैनुअल अलाइनमेंट दबाना है और फिर बाद में ग्लास बॉन्डिंग दबाना है। ये 200 डिग्री पे आने के बाद ये बॉन्डिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा और ये एयर देगा। आपका हेड ऊपर जाएगा और आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग प्रोसेस पूरी हो गई और हमारी जो टेप है कॉफ है वो ठीक से लग गई है ग्लास की तरफ। और आप ये भी देख सकते हैं कि ब्लैक लाइंस जो है वाइट के साथ कोइंसाइड हो गई है एग्जैक्टली जहां पर उन्हें होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हल्की सी ये है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में आपने खाली थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए। और एक चीज़ है कि आप इसमें वाइट क्लोथ यूज़ कर सकते हैं कि क्लैरिटी आपको दिखे। क्लैरिटी इसलिए देखना है कि आपको वाइट एंड ब्लैक दिखना चाहिए प्रॉपरली। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ब्लैक 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 सभी, अभी मैंने क्रिस्टल लाइट को ऑफ करके स्पॉटलाइट यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि स्पॉटलाइट में ये सारी लाइंस जो है वो सब ब्लैक ही दिखेगी। सो ब्लैक और ये कॉफ की ब्लैक ITO लाइंस दोनों मर्ज हो गई है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये सब इकट्ठी हो गई है एक दूसरे से। सो ये हमारा ग्लास बॉन्डिंग का जो पार्ट है वो सक्सेसफुली बॉन्ड हो गया है। अभी नेक्स्ट पार्ट होगा PCB साइड को बॉन्ड करना। और पैनल बॉन्डिंग के लिए क्या खास ध्यान रखना होगा कि अभी मैंने ACF टेप पहले ही PCB पे चिपकाई थी, उसके बाद मैंने प्री हीट जो करना था मुझे टी आयरन से, वो प्रोसेस भी मैनुअल अलाइनमेंट बटन दबाने के बाद प्री बॉन्डिंग से मैंने उसे टी आयरन वाला जो काम था वो कर लिया, और ACF टेप रिमूव कर दी और कॉफ को चिपका दिया है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, PCB बॉन्डिंग जो है उसे दबाना है। लेकिन उससे पहले आपको सिलिकॉन रबर रखना होगा और PCB बॉन्डिंग प्रेस करेंगे ये जो बटन है। ये 200 डिग्री पे जाने के बाद PCB का भी जो बॉन्डिंग प्रोसेस है। और ये देखिए हमने सक्सेसफुली बॉन्डिंग प्रोसेस को अंजाम दिया है, और ये हमारी जो बॉन्डिंग है एकदम लाइन टू लाइन, और पैनल की साइड में भी कोई भी ब्लैक मार्क्स नहीं है, सभी ट्रैक ट्रैक टू ट्रैक है, और बॉन्डिंग सक्सेसफुल हो गई। सो हमने ये वाला जो कॉफ था ये इसको बॉन्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैं अलग अलग ये बता रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ का पार्ट पोर्शन दिखाइए। ये जो मैंने बताया था कि आपको मैंने ये कॉफ निकाल दिया है, तो ये कॉफ निकाल के मैंने इस साइड लगाया था। सो ये कॉफ यहाँ से निकाल कर मैंने यहाँ पर ये जो कॉफ है मैं जो मार्क करके बता रहा हूँ आपको, वो कॉफ मैंने यहाँ से निकाल कर इधर लगाया, तो इतना एरिया आपको ब्लैक दिखेगा क्योंकि यहाँ पर कॉफ नहीं है जो आपके सिग्नल्स को पैनल तक ले जाए। और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल रेड ग्रीन एंड ब्लू और वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ये सब कंप्लीट है, और हमने सक्सेसफुली इस पैनल को रिपेयर कर दिया और पैनल बॉन्डिंग मशीन के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।